still drive me crazy. Hey. हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आ चुकी हूँ आपके सामने। हम लोग करेंगे छोटू सा सखी सहेली सेशन। इस छोटू सखी सहेली सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है तो अपने आप को खुश कैसे रखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये शर्ट जो पहनी है कहाँ से ली है, ये मैंने ओल्ड नेवी या गैप से ली है। यस, मैं करना चाहती थी हॉल पर नहीं कर पाई हूँ और सारे कपड़े मेरे खिलर चुके हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि उनको एक जगह पे एकत्रित करके वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। सो आज हम यह बात करेंगे क्रॉनिक इलनेस के बारे में, क्योंकि इस बात के लिए मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती हूँ। कुछ दिन मेरे अच्छे चले जाते हैं, पर कुछ दिन मेरे बहुत उदास, डिप्रेशन वाले, एंग्जाइटी वाले, दुख वाले, तकलीफ़ वाले होते हैं, जब मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं करती हूँ। सो फिर अगले दिन मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने आप को फिर से समेट के बैक टू रूटीन आती हूँ। वही मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी। नंबर वन है कि जब आपको पता चलता है कि आपको कोई इलनेस है, लाइक डायग्नोज होता है, तो आप को समय लगेगा मानने के लिए। क्योंकि जैसे मेरे साथ हुआ कि सडनली मैं एक दिन बहुत मज़े कर रही हूँ और अगले दिन मुझे पता चला कि मेरे जोड़ वॉक करने में मुझे तकलीफ़ होनी शुरू होगी। सो एकदम से आपको उस चीज़ को मानने में समय तो लगेगा। सो चीज़ों को रश करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रीफ कर सकते हैं, दुख मना सकते हैं, क्योंकि दुख मनाना बहुत ही बेसिक है, क्योंकि वो हमारा हक है। जैसे कहा जाता है कि प्लीज़ दुखी ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या सब कुछ ठीक तो पता नहीं होगा या नहीं, पर नॉर्मल ज़रूर हो जाएगा। सो अगर आप दुखी फील कर रहे हैं तो प्लीज़ दुखी फील करें थोड़े टाइम के लिए, कोई बात नहीं। आप बात करें किसी के साथ जो आपसे प्यार करता है, जो आपको समझेगा। जो आपको प्यार नहीं करता उनके साथ मगज खपाई मत करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर आप उसके साथ बात कर सकते हैं जिसको सेम कंडीशन से कोई गुजर रहा है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरह समझ पाएगा, क्योंकि जिस पे बीतती है उसे ही पता चलता है। और थोड़ा ग्रीफ करना इज़ ओके, पर अगर आप ज़्यादा दिनों तक अपनी ये दुख वाली फीलिंग लेके जाएंगे तो वो फिर डिप्रेशन में भी चेंज हो सकती है। सो अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और दूसरी चीज़ है कि अपने हर टास्क को जो आप करते हैं रोज़ाना ज़िंदगी में या करते थे, उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, ताकि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़े। मुझे पता नहीं कि आप कैसे बंदे हैं, पर मैं ऐसे हूँ कि मुझे सारा कुछ कंप्लीट करना होता है। और मैं तो ऐसे करती थी कि मैं एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें कर लूँगी, और अब वैसी सिचुएशन नहीं है। सो मैं नन्हे नन्हे टास्क करती हूँ, लाइक अगर मुझे एक रूम क्लीन करना है या कोई और टास्क है, तो मैं उनको नन्हे नन्हे कितने सारे टास्क में बांट लेती हूँ, ताकि मुझे गिल्ट फील ना हो कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पर बर्डन भी फील नहीं हो कि मुझे सब कुछ करना है। सो आप भी ऐसे करें। और अगली चीज़ है कि आप अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, अपने सेल्फ केयर के लिए, जो भी आपको करने में मज़ा आता है। अगर आपको तैयार होना अच्छा लगता है, तैयार हों, ऐसे नहीं लगे कि अब आपकी ज़िंदगी सिर्फ बीमारी के इर्द गिर्द घूमेगी। कुछ ना कुछ अपने लिए करते रहें, ताकि आपको लगे कि यार ज़िंदगी बीमारी के बिना भी कुछ है। मुझे तैयार होना अच्छा लगता है। बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि यार इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है, पर यार हर दिन को जियो। यू नेवर नो कि कल कितना दिन आना, कल आना भी या नहीं आना। सो हर दिन ऐसे जिया जाए कि हर दिन को ऐसे जिए जैसे वो आपका आखिरी दिन है। सो प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा समय स्पेंड करा करें। अगर आप सोचते हैं कि मैं तैयार सिर्फ किसी स्पेशल ओकेजन पे होंगी, पता नहीं वो स्पेशल ओकेजन कब आएगा भी या नहीं, सो अपने ऊपर समय ज़रूर स्पेंड करें। वो तैयार होने के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको तैयार होना अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने बालों की देखभाल करें, अपने हाथों की करें, अपनी बॉडी को, जो आपने आपको मिली है बॉडी, उसको थोड़ी उसकी क्लीनिंग करें, उसको संवारें, ताकि पता चले कि आप अपनी बॉडी को लव करते हैं। जब आप अपने अपनी बॉडी को लव करते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। अगली चीज़ है कि अपनी बीमारी की दुनिया में इतना घूमने जाएं कि आप अपने आसपास के लोगों को भूल जाएं। अपने आसपास के लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहें। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं बाहर वाली दुनिया की, तो करें, नहीं तो घर वालों को कुछ ना कुछ खुशी देते रहें। किसी के लिए अच्छा पकवान बना दें कि उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए। यू नो, छोटे छोटे टास्क करें किसी के लिए, ताकि वो भी अच्छा फील करें। क्योंकि जब आप किसी को खुशी देते हैं ना, तो एंड ऑफ द डे खुशी आप ही को मिलती है। सो यार, ये है मेरी नन्नी पन्नी सी टिप्स अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल होकर कैसे जीना है। आई होप आपने ये मेरे नन्हे से सखी सहेली सेशन को पसंद किया होगा। अगर सो अगर आपको मेरे सखी सहेली सेशन अच्छे लगते हैं, तो कमेंट बार में ज़रूर से बताना कि हम और कौन से टॉपिक पर बात करें। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से टॉपिक पर बात करें,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, तो मेरा मन करता है कि मैं अपनी समझदारी सब में बांटूँ। सीरियस मत लेना दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि जब आप मुझसे कुछ पूछते हैं तो फिर मैं भी उस पर रिसर्च करती हूँ कि हमें इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो मैनू भी थोड़ी अकल आ जाती है, और अदरवाइज पता सारी चीज़ें सभी को होती है, पर अगर कोई रिमाइंड करा दे तो हमारे दिमाग में फिर से आ जाती है, यार चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम लेते हैं। सो मेरी हिंदी और पंजाबी के मिक्सचर को पसंद करने के लिए थैंक्स, और ना पसंद करने के लिए भी थैंक्स। सो या आज बाकी क्या क्या किया है मैंने वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जल्दी से नन्ना सा व्लॉग देख के आएँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें, और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि कौन सा टॉपिक पर डिस्कशन हो। सो आज मेरा दूसरा दिन है जब मैं बहुत कम खाने वाली हूँ। कल मैंने डिनर स्किप किया, ब्रेकफास्ट स्किप किया, और अब मेरा पहला मील होने वाला है, और बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3। और ये मैं कॉर्नस कुक कर रही हूँ, एक हस्बैंड के लिए, एक मेरे लिए, और अपने लिए मैं कुछ हेल्दी सा कुक करने वाली हूँ, जिसमें मैं खाऊंगी पोटैटो एंड कॉलीफ्लावर। पोटैटो को मैं बॉईल कर रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा उसे ऑलिव ऑयल में डाल के कुक कर लूँगी थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए। और ऐसे ही मैं कॉलीफ्लावर यूज़ करूँगी और एवोकाडो यूज़ कर रही हूँ मैं। सो ये मेरा सिंगल मील होने वाला है दिन का। सो मेरी छल्ली इज़ डन। सो ये होने वाला है मेरा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सारा कुछ डिलीशियस। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज मैंने व्लॉग को बनाना शुरू कर लिया है बहुत ही लेट, समय हो चुका है 4:40 ऑलरेडी, और हस्बैंड गए हैं ऑफिस, मैं तैयार हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है कुछ लेने के लिए। लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे मेरा एक आउटफिट पेंट करना है, जो कि मैंने अभी शुरू नहीं किया है, क्योंकि जो आउटफिट मैं पेंट करना चाहती हूँ मुझे उसके दुपट्टे को भी पेंट करना है, पर फॉर सेम रीज़न। तो क्योंकि मुझे उसके दुपट्टे को भी पेंट करना है, तो मैंने सोचा कि जब मुझे दुपट्टा मिलेगा फिर ही मैं सारे को ड्रॉ कर लूँगी। मैं कैसे पेंट करती हूँ कि फ्री हैंड करती हूँ, कुछ छपाती नहीं हूँ, जिद्दा मेरा फ्लो जाता है वैसे मैं पहले एक जगह कर लेती हूँ, फिर उसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ बाकी जगह पे। ऐसे कोई लाइन टू लाइन नहीं जाती हूँ मैं। ये माइन। सो यार दुपट्टा नहीं मिला, हम लोग गए थे दुपट्टा लेने एक दिन, उस दिन मैंने व्लॉग बनाने की शुरुआत तो कर ली थी पर व्लॉग मेरा फिनिश नहीं हुआ। गुड आफ्टरनून दोस्तों, हस्बैंड अपने देश की लैंग्वेज की भाषा न्यूज़ सुन रहे थे, बंद कर कि नीचे लाकी की थी। तो ही ना इंटेलिजेंस चेयरमैन की तो इदा दे, जो रेडियो सुनने ना मैनू दस देनी है कि तुम समझ आंदे आ, तू सब ते अखां रख दे आ और तू दूसरी लाइफ जीने आ। असल जो तू किसी इंटेलिजेंस च काम कर दे और तू दसना नहीं चाहंदा कि मैं कौन आ, तू सच्चाई मेरे कोल पिछले 15 साल तो लुकोई हुई है। कि डबल व्याह तो नहीं करके बैठी थी प्यारी? डबल किड सनिया ब्याही रे। तू मेनू दस दो, मैं तेरी वाइफ हां, मैं किसे नहीं दसदा। डैडी इज नॉट वेरी येट। दसोगे? सो हम बहुत सारी दुकानों में गए दुपट्टे को ढूंढते हुए, और दुपट्टा जो मुझे चाहिए वो ऑफ वाइट है, ऑलमोस्ट वाइटिश कलर का ही है, पर फिर भी इतना इजी रंग होने की वजह से भी वो नहीं मिला, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि उनकी शिपमेंट्स नहीं आई कोरोना की वजह से। सो या अब मुझे लगता है कि हमें वहाँ पे गए हुए भी मोर देन हफ्ता हो चुका है, पर स्टिल अब हम दोबारा नहीं गए, पर आज मेरा मन है कि मैं फैब्रिक लैंड में जाऊँ, वहाँ पे देख लूँ अगर कुछ मुझे दुपट्टे जैसा मिलता है तो फैब्रिक खुद ही दुपट्टा बना लूँ उसका मैं। सो या आज मैं वहाँ पे जाऊँगी अगर मेरे हस्बैंड समय पे घर पहुँच जाएंगे तो, क्योंकि वो स्टोर बंद हो जाता है 6:00, और या देखेंगे कि मैं जा पाती हूँ या नहीं। और या बहुत देर होगी कि मैंने आप लोगों से बातचीत नहीं की, पता नहीं यार कुछ दिन मेरे अच्छे जाते हैं फिर मेरी सेहत अच्छी नहीं होती, तो या कुछ दिन मेरे अच्छे जाते हैं फिर अगले कुछ दिन अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर जिस दिन मैं अच्छा फील नहीं करती हूँ तो सारा दिन मेरा बेकार जाता है। पर फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइन अप करके रखी हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना, ताकि मैं बिज़ी रहूँ और अच्छा फील करूँ। और यस, मेरे डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया था कि मुझे अच्छी नींद नहीं आती है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, और पता नहीं कुछ अचानक से मुझे डर लगना शुरू हो जाता है,
और इसके बारे में हम मेरी आरे की एपिसोड नंबर 2 में ज़्यादा बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बीमारी के बारे में सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। पर ये नन्ना सा अपडेट दे देती हूँ कि मेरे डॉक्टर ने फिर मुझे रेकमेंड किया THC ऑयल। डॉक्टर ने रेकमेंड किया THC ऑयल। वो कह रही है कि CBD ऑयल तुम्हारे लिए ज़्यादा स्ट्रांग होगा, THC ट्राई करो, जो कि मैं कई बार ट्राई करती हूँ, लाइक नॉट एवरी डे। वैसे मेरे डॉक्टर ने कहा कि मैं दिन में 3 बार 1.5 ml डोज ले सकती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी चीज़ की अडिक्ट हूँ। पर जिस दिन मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर मैं लेती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है, लाइक इतना ज़्यादा कोई नोटिसेबल एकदम ऐसे नहीं होता, पर थोड़ा थोड़ा अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, लाइक थोड़ा काम हो जाती हूँ मैं। सो या ये नन्ही सी अपडेट वो थी। और हम हिम्मत के लिए क्या कर रहे हैं, हिम्मत की हम लोग थोड़ी होम स्कूलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत प्रैक्टिस कर रहे हैं लेटर्स की और नंबर्स की, और थोड़े बहुत वो प्लस माइनस करता है, एंड और क्या करता है, कलरिंग करता है। कलरिंग करने में बहुत मज़ेदार तो वो है नहीं, पता नहीं उससे कलरिंग इतनी अच्छी पसंद नहीं है, पर या कोशिश करें कि कलरिंग करें। और या फिलहाल के ये ऐसे ही दिन चल रहे हैं हमारे। और क्या बताऊँ, गाइज यू गाइज कैन सी अ वेरी क्रेजी गाय जस्ट देयर फीलिंग वेरी शाय। ही इज नॉट शाय, ही इज द क्रेजीएस्ट गाय ऑन द प्लैनेट। He talk way too much and everything. So yeah, इसने decide कर लिया मेरे साथ जाने के लिए। वैसे मैं चाहती थी कि ये नहीं आए, क्योंकि फिर ये चीज़ें टच करता है तो मैंने डर लगता, पर ही प्रॉमिस मी ही नो गोना टच इट, सो बिलीव कर दिया इसको। हेलो दोस्तों, सो वी आर रिपोर्टिंग फ्रॉम फैब्रिक लैंड। लाइन अप है यहाँ पे। मुझे लगता था कि हम लोग लेट हो जाएंगे पहुँचने के लिए, पर हम लोग पहुँच गए। हमारा 4th नंबर है। और बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि मैं कौन से स्टोर से फैब्रिक लेती हूँ। सो ये है फैब्रिक लैंड बर्लिंगटन में। तो यार ज़्यादातर मैं यहीं पे आती हूँ, क्योंकि इतने चंगे डील्स मिल जाती हैं दोस्तों। और ये लड़का मेरे साथ आया है, ये लड़के बिहाइंड द लाइन, गुड जॉब। सो यार हमारे पीछे एक और बंदे भी आने वाले हैं। अब हम अंदर जाएंगे, होपफुली जो मैं लेना चाहती हूँ मुझे मिल जाए। दुपट्टे जैसा दिखने वाला कोई फैब्रिक मिल जाए ना, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे हम लोग। ही इज़ गोइंग फॉर सर्जरी। आर यू अ डॉक्टर? यू अ डॉक्टर गाय? स्टोर के बाहर लिखा गया है कि फेस कवरिंग इज मैंडेटरी, बिना कवर किए नहीं जा सकते। एंड दिस गाय इज सिंगिंग समथिंग। व्हाई आर यू सिंगिंग? सिंग। व्हाई यू ऑलवेज कम विद मॉमी? कैन यू स्टे इन द होम नेक्स्ट टाइम? ओके। ओके दोस्तों, तो आई एम फीलिंग लाइक ड्रिंकिंग समथिंग कोल्ड, कूलिंग। सो मैं बनाने वाली हूँ शिकंजवी। एंड हस्बैंड ने कहा कि मुझे नहीं पीनी, सो मैं एक ही ग्लास बनाऊंगी। की तू ही कल एक पैटी बार रखी ही थे, नहीं दोनों ने सोच नहीं लाई अपना अपना करना हो, नहीं दोनों ने वांड वांड नहीं यानी कर लिया हूँ। ओके दोस्तों, हस्बैंड मुकर गया, कहने पी लूँगा। तो यार इसमें डालेंगे चीनी, काला नमक, चिट्टा नमक, काली मिर्च एंड लाइम के साथ बनाऊंगी मैं, क्योंकि उससे ज़्यादा डिलीशियस बनती है। इधर प्याज भी कुक हो रहा और इधर चीनी को भी मिक्स कर लेते हैं एंड मिक्स। तड़के में डालने के लिए टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है प्रोसेसर में, फिर वो अच्छी जल्दी कुक हो जाएंगे। वैसे आप चॉप भी कर सकते हैं। तो चीनी मिक्स हो गया, अब हम इसमें लाइम डाल लेते हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिल्ली, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एंड मिक्स। अब इस टमाटर को हम पूरी अच्छी तरह कुक होने देंगे लीच के साथ, जब तक ऑयल नहीं निकल जाता, क्योंकि असली मज़ा इसी टमाटर का है। बोली पा गिद्धा पा मैनू एंटरटेन कर, बोली मैं पावा नचले ग्रे विच चू।
गिद्दी जी भी तू नाच बोली भी तू बा मैं बस बैठी हूं। ऑलराइट दोस्तों एक मिनट डी ब्रेक ले ले लक टूटिया मेरा क्या मेरे मां दे हथां दिया वजियां सोटियां कानू बड़ा चित करदा मैं खवा लेनी हां मिमी बारो सिटी ले आई कोट जिन्नी मर्जी टमाटर इनफ हो गया होगा अब हम उसमें डालना पड़ेगा मेरे बाल कर जब मेरे बाल कर लिए होते ना मेरा लगा कि सारा कुछ जी का रमा लगा था तो यार टमाटर अच्छी तरह कुक हो गया अब इसको बैंगन इसमें बैंगन ऐड करके खूब सारा कुक करेंगे तो इसको फिर से छोड़ देंगे कुक होने के लिए और ज़्यादा होने के लिए सो या इसको कुक होने देंगे स्लो हीट पे थोड़ा 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 और मैं वहाँ पे बैठ के अपना नींबू पानी आराम से पीने वाली हूँ और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और मैं मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूले दोस्तों यू गाइज आर ब्यूटीफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन दैट्स सो ईजी राइट सिर्फ सोचना है कि करना क्या है दैट्स इट बाय ललू। Oh.